कांग्रेस में किसे कमान, कौन आला कमान? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं होना देना चाहते? हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक दिस फेस, निकालो उसको, गेट आउट, आउट। कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है, इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था। आप देश में लोकतंत्र है नहीं और कांग्रेस के लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में अरे आप तुम्हारी सुन लेते हैं और किसी देश में होते ना तो पता चलता कि क्या हाल होता है। महंगाई और इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो गोविंद जी को भी बना दिया था, दलितों का क्या हाल हुआ है देश में? एक बेटा एक माई, एक बेटी एक जमाई, ये क्या पूरी कांग्रेस इतने में ही समाई? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्रम आर पार, क्या इस बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा? क्या इस बार कांग्रेस की कमान G23 यानी G23 के हाथ जाने वाली है या फिर अध्यक्ष वो होगा जिस पर गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा? बीते हफ्ते ये सियासत की सबसे बड़ी चर्चित खबर रही। राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन परिवार के करीबी, गांधी परिवार के करीबी चाहते हैं कि राहुल ही कांग्रेस की कमान को संभालें। 9 प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव तक पारित कर दिया है। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि राहुल अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन पार्टी में उनका स्थान विशेष है और हमेशा विशेष रहेगा। इसलिए बीजेपी का दावा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव महज दिखावा है, रिमोट तो गांधी परिवार के हाथ में था, है और हमेशा रहेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को छोड़ दिया और यात्रा के दौरान गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को छोड़कर। ऐसे में नया कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के समर्थन से बने या फिर किसी और गुट से, क्या कांग्रेस की इन समस्याओं का समाधान निदान कर पाएगा? सवाल यह भी है, क्या 2024 से पहले कांग्रेस चाक चौबंद हो पाएगी और परिवार वाली छवि से मुक्त हो जाएगी जिस पर नरेंद्र मोदी हमेशा बड़ा वार करते हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस और बीजेपी के 2 धाकड़ प्रवक्ता आज पब्लिक के बीच में होंगे और जिनके बीच में यह सीधी टक्कर होगी, कांग्रेस में किसे कमान, कौन आला कमान? स्वागत है आपका न्यूज 18 के सबसे बड़े कार्यक्रम आर पार में। एक ऐसी पार्टी है, पार्टी का मंत्र है उनका परिवार, यही उनका संविधान है, उनका परिवार यही उनकी सरकार है। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? And answer the question. बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परिवारवाद पर जमकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं। क्या राहुल गांधी की अध्यक्ष पद के चुनाव से दूरी इसकी बड़ी वजह है? There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. अध्यक्ष कोई भी बने, प्रीएमिनेंट पोजीशन गांधी की रहे। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष शशि थरूर बने, अध्यक्ष गहलोत बने, रिमोट राहुल के हाथ में होगा। ये चुनाव के नाम पर ड्रामा नौटंकी है, फर्जीवाड़ा है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उनके 2 पद वाले बयान ने सियासी गलियारों में फिर तमाम तरह की बातों को हवा दे दी। चुनाव चुनाव है, तो ओपन है सबके लिए। यहाँ कोई 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद लागू नहीं होता फॉर्म रहे। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद की बात दोहराई तो गहलोत फिर मीडिया के सामने आए। ये तय है कि मुझे
कंटेस्ट करना है। बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए। दूसरी ओर चर्चाएं हैं कि दिग्विजय सिंह भी मैदान में ताल ठोक सकते हैं, वहीं शशि थरूर भी चुनाव लड़ने के इच्छुक माने जा रहे हैं। G23 धड़े से मनीष तिवारी अशोक गहलोत को चुनौती दे सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है। ऐसा दिन क्यों देखने को मिला कि कांग्रेस को कोई फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए, कोई जो वर्किंग कमेटी है उसको चुनावी तरीके से कांग्रेस के संविधान के तहत उसका चुनाव हो, जो पिछले 24 साल में नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि जिन्होंने PFI पर छापों के खिलाफ केरल में बंद बुलाया है, कांग्रेस ने भी उसी दिन भारत छोड़ो यात्रा को एक दिन का विराम दे दिया। बहरहाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम तो महीने भर में तय हो जाएगा, लेकिन जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अध्यक्ष कोई भी हो, रिमोट परिवार के पास ही रहेगा, कांग्रेस इस छवि से खुद को बाहर कैसे निकाल पाएगी।